हेलो अंजू जी, वेलकम टू लवीज कैंसर एंड ज़ूनॉन्को.io. नमस्ते. सो दिस इज अ कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक वेयर वी इनवाइट स्पीकर्स हु हैव गॉन थ्रू कैंसर एज अ पेशेंट, केयर गिवर और अ सर्वाइवर, एंड दे इंस्पायर अदर्स हु आर गोइंग थ्रू अ सिमिलर जर्नी. So it not only helps them with the treatment, but also motivates and inspires them when they listen to others' journeys. So thank you, Anju ji, for giving out your time for this. It's an honor to have you with us. So firstly, can you please share something about yourself with us and later tell us about your journey with cancer? Okay, fine. I'm Anju Dubey, and after marriage Chauhan, from Udaipur. मेरी तीन पीढ़ियां उदयपुर में ही रह रही हैं दादाजी के टाइम से, और मेरी पूरी एजुकेशन उदयपुर में ही हुई है. द ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान. एंड आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ साइंस बायोलॉजी, एंड इन 1988 आई रेड अबाउट कैंसर. एंड इन सो मेनी क्लासेस मैंने पढ़ाया भी, बिकॉज मैं एक बायो टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में. मतलब मैं सर्विस में थी, मैं काफी बोल्ड, सारा काम खुद करने वाली, दौड़ के सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ के उतरना, गाते हुए चढ़ना, ऐसे काफी एंजॉयमेंट भरी लाइफ चल रही थी. अचानक से मेरा ट्रांसफर हुआ, बहुत दूर हो गया, 65 किलोमीटर. दैट वाज पैनिक फॉर मी मेंटली एंड फिजिकली टू. विद इन अ मंथ जब दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हुई, 22 अक्टूबर का टाइम था वो 2019 में, तो मैंने सोचा कि 3 दिन में मैं रेस्ट करूंगी, देन 3 दिन में मेरा घर साफ करके अच्छी तरह त्योहार मनाऊंगी. बट वो पेन ऑफ होल बॉडी एंड स्पेशली इन माय ब्रेस्ट एरिया गया ही नहीं. फिर भी मैंने इग्नोर किया और भाई दूज अच्छी तरह मनाया. भाई, भाभी, सबको, फैमिली वालों को मैं बुलाती अपने हाथ से बना के खाना खिलाने का, तो वो किया मैंने. और उसके अगले दिन मेरा दिमाग ठनका कि चलो ट्रीटमेंट के लिए चलते हैं, ये बॉडी पेन क्यों हो रहा है कारण जानना है जी. फिर पहुंची मैं जनरल हॉस्पिटल में, तो ये पता चला कि उन्होंने पूछा, मैंने उनको बोला कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके गांठ है क्या. मैंने कहा हाँ है लेफ्ट ब्रेस्ट में, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कैंसर वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया. 5 रुपए की रसीद कटती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. और क्योंकि मेरा 2 पीढ़ियों से डॉक्टर फैमिली है, दीदी भी डॉक्टर हैं एंड मामा भी इसी कॉलेज में वो थे, HOD ऑफ पैथोलॉजी, एंड मामी माइक्रोबायोलॉजी की हेड थे, तो हम लोग बहुत फैमिलियर टू हॉस्पिटल. कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, आराम से जाते, उनका नाम लेते, अपना एग्जामिन कराते, इलाज हो जाता, ऐसे चल जाता. तो मैं उसी हिसाब से अकेले आराम से गई थी, घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, ना मेरे बेटे को पता, ना मेरे पेरेंट्स की फैमिली को, कुछ भी नहीं पता. और उन्होंने मुझे रेफर किया कि आप मेमोग्राफी कराएं. मैं मेमोग्राफी के लिए गई, तो उन्होंने, उस दिन शनिवार था और मैं शायद लेट थी, बंद होने का टाइम आ रहा था, तो उन्होंने मुझे मंडे को अर्ली इन द मॉर्निंग आने को कहा. तो मैंने ओके, आराम से मैंने सैटरडे पूरा दिन, संडे घर में निकाला, किसी को कुछ बताया नहीं, कि जब मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊँ. मंडे को मैं 9 बजे पहुँच गई और फर्स्ट मैं थी, मेरा मेमोग्राफी हुआ. तो जैसे मेमोग्राफी हो रहा था, तो जिनको नहीं पता कि मेमोग्राफी क्या होता है, तो उसमें मैं बता दूं कि उसमें इस तरह से और इस तरह से, यूं ऐसे और ऐसे ब्रेस्ट को पिचकाया जाता है. दैट इज टू पैनिक. और बाद में मैंने पढ़ा कि करवाना ही नहीं चाहिए, अगर आपको फील हो रही कोई गांठ तो करवाना ही नहीं चाहिए, और भी तरीके हैं जिससे पता चल सकता. और दूसरे को भी जब ऐसे करवाया तो कुछ नहीं, पर जब इसको कर रहे थे तो मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर में देखा, तो मुझे नजर आ गया स्ट्रक्चर में, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर जो दिखता है एक्सरे टाइप स्क्रीन पे, नजर आ गया कि कुछ गड़बड़ है. फिर मुझे बोला गया सोनोग्राफी के लिए. मैं सोनोग्राफी में वहाँ लेटी हुई थी और इंटर्न लिख रही थी रिपोर्ट, और सीनियर उनको डिक्टेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन. मुझे सारे बायोलॉजिकल टर्म्स समझ में आ रही, साइज समझ में आ रहा, एवरीथिंग समझ में आ रही, बट वो बंदे मेरे को हाथ में रिपोर्ट देने को तैयार नहीं. कहते हैं आपके घर से किसी को बुलाओ, क्योंकि हो सकता है उन लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हो कि भाई इस डिजीज का नाम सुनते ही लोग फेंट हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, वो वाली बात ना. ओके, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पापा एक पेंशनर है, उसी समय सामने से निकले.
मैं बाहर वेट कर रही थी रिपोर्ट का, तो मैंने कहा पापा जी, कहते हाँ बेटे आप यहाँ कैसे, मैंने कहा ऐसे ही आई थी एक टेस्ट कराना है, तो कोई मेरे को गायनिक प्रॉब्लम है तो ये मेरे को रिपोर्ट नहीं दे रहे, मेरे पापा मैथ्स के स्टूडेंट, तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने रिपोर्ट मेरी बेटी आप दे दो, अंकल आपको दे देंगे, हाँ दे दो, अंकल ने लिया और मुझे पकड़ा दिया क्योंकि पढ़ रही हुई तो मैं हूँ बायोलॉजी, और फिर मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है तो पापा को तो हम दोनों बेटियों पे बहुत विश्वास है, तो उन्होंने दे दिया आराम से, मेरे को तो पता ही था क्या लिखा हुआ है, तो मैंने उसको बस ये देखा और ले लिया, पापा मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, पापा ने कहा बेटा चलो आप अपने घर जाना मैं ये रिपोर्ट दिखा के आती हूँ। उन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने थर्ड FMNC जिसमें इंजेक्शन के थ्रू सेल्स ली जाती है गांठ की, उसके लिए भेज दिया, और मैंने वो टेस्ट के लिए दिया। फिर मैंने वहाँ बात की कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो आप इस रिपोर्ट को कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि आज तो लेट हो गया मैम, कल मिलेगी, ओके मैं स्कूल जाऊँगी आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, नंबर उनको दे दिया और मैं निकल पड़ी। फिर मैं चली गई अगले दिन स्कूल, तो वहाँ लंच हो रहा था, लंच में रिपोर्ट आई, मैंने जस्ट रीड किया, मैं कभी पानी नहीं पीती भोजन के बीच में, दो घूट पानी पिया, आलती पालती मांडी, आराम से जो लिक्विड सब्जी थी उसमें रोटी चूरी बैठ के आराम से खाई, बाकी 7 मेरे जेंट्स स्टाफ मेरे साथ में, मैं ओनली सिंगल लेडी टीचर हूँ, उनको कुछ लगा कुछ चेंज हुआ मैडम के मूड में, मैंने बोलना बंद कर दिया था, मैं सिर्फ चल रहा था दिमाग में अब क्या करना। मैंने तुरंत वो रिपोर्ट मेरी दीदी को सेंड कर दी, सारी रिपोर्ट तीनों जो की मेमोग्राफी सोनोग्राफी एंड FMNC, दीदी रहती है UK लंदन, शी इज साइकियाट्रिस्ट एंड उनके हस्बैंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो उनका एक बहुत बड़ा सर्किल मेडिकल का, इतने सालों की सर्विस का, वो मेरे से बड़ी है, तो टाइम लैग के कारण 6 आवर्स बाद उन्होंने देखा होगा, तब तक मैं अपने घर पहुंच चुकी थी, मैंने स्टाफ को बता दिया कि मुझे नहीं पता कब आऊंगी, या तो टाटा मुंबई जाऊंगी या पता नहीं कहाँ जाऊंगी जो दीदी कहेगी, पर मैं बहुत जल्दी आऊंगी वापिस ऐसी कार ड्राइव करते हुए आप लोगों के बीच में आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। बच्चों को भी समझा दिया जो मैंने तरीका बताया, बेटा आप उस तरह से पढ़ोगे तो सज्जन बनोगे, और मैंने कहा अब मेरे को घर जाना है, छुट्टी का टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा नो मेरे को जाना है क्योंकि मुझे बहुत सारी मेंटल फिजिकल इकोनॉमिकल सारी प्रिपरेशन करनी है, तो एप्लीकेशन लिखी अगले दिन से मेडिकल पे और उस दिन का हाफ और रवाना। 10 किलोमीटर में मैंने अपने आप को जितना रोना था भगवान जी को कहना था सब कर ली, क्योंकि 10 किलोमीटर बाद एक सर बैठते थे मेरे साथ कारपूल में, और गाना मैंने चला रखा था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि वो मुझे पसंद है, तो वो मैंने फुल वॉइस में चलाया कार में, और जो रोना था वो हो गया, कि मुझे घर जाके रोना ही नहीं किसी के भी सामने, वरना सब टेंशन में आएंगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर उन सर को मैंने बताया कि सर आज के बाद मुझे नहीं पता कब आऊंगी, ये है कारण, वो मेरी शक्ल देखे मैडम आप ड्राइव कर लो, फिर मेरा श्योर बस ये गाने तेज चलेंगे आज आपको झेलना पड़ेगा, मैं गा भी सकती हूँ साथ में। चलता रहा और हम लोग पहुंच गए एक बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, वहां मैंने ढोक लगाई, उस समय मेरे को जितना कुछ भगवान जी से कहना था मन में कह दिया, फिर मैं घर पहुंच गई, खाना बना के खाया खिलाया सबको आराम से, मम्मी के गई थी ना, तो 10:30 बजे मैं अपने घर के लिए जब निकल रही थी तो मैंने नीचे भैया भाभी छोड़ने आए, वो मेरे से 2 साल ही छोटा है, उसको मैंने भाभी के सामने बोला कि मेरे को ये डायग्नोज हो चुका है, जीजी को मैं रिपोर्ट दे चुकी हूँ, अब ऊपर जाके मम्मी पापा को बताने का काम तेरा, मैं तो ये चली मेरे बेटे के पास, मेरा बेटा 28 साल का है, उसको भी तो मुझे बता के संभालना है। अब मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंची थी और मैंने हेडफोन लगा रखे थे, पता था मम्मा का फोन आएगा, मम्मा कह तू चली क्यों, तू गई क्यों, जीजी तो कह रही है कि तू अगर अब एक कदम भी चलेगी तो तेरा यू फैल जाएगा कैंसर ये वो, मैंने कहा मम्मा कूल डाउन कुछ भी नहीं होगा, अब जो होना है वो हो चुका है, और एक बार मुझे घर जाना है, सामान लेके मुझे आना है, मेरे सारे कागजात एप्लीकेशन वगैरह सब व्यवस्थित करके बस मैं सुबह आऊंगी, एक दिन मेरे को दे दो, पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि कपड़ों की मेंटेनेंस एवरीथिंग ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं ऑपरेशन टेबल पे से वापस ही नहीं आऊंगी, तो दिस इज द लास्ट डे इन माय लाइफ इन माय होम, मेंटली आई वाज प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, एंड अगर बच गए आएंगे ना वो वाली बात थी। फिर जैसे बेटे को फीवर चढ़ गया था सुनते ही, भाई भाभी को फीवर चढ़ गया, मम्मी पापा को फीवर चढ़ गया,
पर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से मेरा ये सब मैनेज करती रही। अगले दिन हम लोग वापस पहुंच गए अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का बस चाय नाश्ता दूर करके, क्योंकि मम्मी पापा की हालत मुझे पता है कि उनको वापस मैच चाहिए थी। फिर डिस्कशन हुए, फिर दीदी ने फाइनलाइज ये किया कि टाटा में काम किए हुए एक ऑन्कोलॉजिस्ट 2.5 साल से अपनी फैमिली के कारण उदयपुर में ही है, तो मुझे कहीं नहीं जाना और उदयपुर में सब कुछ हो जाएगा। तो हम उनके जूनियर से मिले, डॉक्टर पुरेश बम्बोरा हैं उदयपुर में, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और एक जनरल सर्जन गरिमा मेहता जो मेरे मामा के अंडर की थी वो भी उसी हॉस्पिटल में थी। तो मेरी मम्मा कह रही थी गरिमा मेहता जी से कराएंगे ऑपरेशन, और मैंने ये डिसाइड किया था मुझे जो बेटर लगेगा मैं, बिकॉज आई एम द पेशेंट, तो मैं मेरे को सही लगना चाहिए। दोनों के चेकअप करने के तरीके से मैंने पुरेश बम्बोरा जी को ही चुना, और दीदी की एक क्लासमेट भी डॉक्टर संगीता तिवारी भी वही है, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मैंने दोनों की सर्जरी देखी है, मैंने सही चुना है। तो किस्मत बहुत अच्छी थी, इतना प्यार, इतनी केयर, इतने फ्रेंड सर्किल कि मेरी मम्मी पापा कहते और कितने आएंगे मिलने तुझसे। बहुत, तो वो टाइम ऐसे ही निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे को कीमोपोर्ट के लिए इंसर्शन के लिए बुलाया, कीमोपोर्ट इंसर्शन के लिए उन्होंने मुझे ऊपर की साइड से दिखा रहे, अब मैं तो बायोलॉजी के सारे डिसेक्शन करे हुए, मैंने कहा मेरे को उल्टा करके दिखाऊं मेरी बॉडी के अंदर कितना पार्ट कहाँ कहाँ रहेगा, मैं सेटिस्फाई होंगी तो ही तो मैं ये डलवाऊंगी, नहीं तो इतनी बड़ी मशीन मैं यहाँ क्यों डलवाऊंगी। तो डॉक्टर पहले मेरी शक्ल देख कर, मैंने कहा आई एम ए बायो स्टूडेंट, आपने जितने नहीं चीरे फाड़े मैंने किए, क्योंकि हमारे बात तो बैन लग गया था, हमने तो 9th से काटे फाड़े हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे सेटिस्फाई करोगे तो ही मैं मानूंगी, पैसा मेरा, इंश्योरेंस कंपनी मेरी, यहाँ पे ही आपको पैसा देगी, इसलिए आपको मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और इस बीच में मेरा एक ग्रुप था आलोक स्कूल का, तो अजय सिंह है जो आप डिम्पल जी को जानता है, उसकी सिस्टर कैंसर पेशेंट है 20 साल से, उसने मुझे ये ग्रुप से छोड़ दिया था कि तेरी जो क्वेरीज है इनसे पूछ, तू सेटिस्फाई हो तभी आगे ट्रीटमेंट करना, वरना डॉक्टर का मत अच्छा करना। उसने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, सारी चीजें समझाता गया वो। और एक और मेरा कॉलेज मेट है मनीष पाठक, उसकी वाइफ सिमिलर से गुजर चुकी थी 6 साल पहले, उन भाभी से मैंने मेरी एवरी प्रॉब्लम शेयर की कि भाभी अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब मुझे यहाँ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और अपने रवि अप्पा, उनको मैंने सारी रिपोर्ट्स दे दी, तो उन्होंने कहा बेटा पहले सर्जरी देन मेरा वाला ट्रीटमेंट, तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपकी साइज बहुत बड़ी है इसलिए, छोटी होती तो मेरे ट्रीटमेंट से आप सही हो जाते, ही वॉज वेरी क्लियर। और डिम्पल जी से बात हुई तो मैं मॉरली काफी, एक अंदर से जो रोना आता है ना वो कहाँ रोओगे आप जाके, अपनों के बीच में नहीं रो सकते, वो कमजोर पड़ते हैं। तो डिम्पल जी से शेयर कर करके समझाने के लिए बिल्कुल वो, मतलब उन्होंने जो मेरे को मेंटली हील किया है यू समझो आप, क्योंकि उन्होंने भी तो एज ए केयर गिवर अपने हस्बैंड का सब कुछ देखा, तो वो ज्यादा समझ पाई एज ए लेडी मुझे। फिर मेरी मम्मा ने मुझे 2 पेशेंट से मिलाया, एक को तो 20 साल हो गए थे, तो 20 साल पहले तो इतना कुछ इन्वेस्ट था ही नहीं, उसके बावजूद वो अभी अच्छी तरह अपनी लाइफ रन कर रही है, तो मैं तो और आराम से करूंगी। तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और डॉक्टर्स भी बड़े सरप्राइजिंग होते हैं ना, जैसे जो कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली थी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि कीमोथेरेपी होती क्या, आई वॉज इन इमेजिनेशन ना, जैसा मूवीज में नहीं दिखाते बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो कीमोथेरेपी की वो चढ़ाई उन्होंने ड्रिप्स वगैरह, और फिर मुझे कहा डिस्चार्ज टिकट बन जाए, मैंने कहा कीमोथेरेपी कहाँ हुई, तो कहते हैं ये हुई तो थी वो रेड वाली बोतल, तो वो खून जैसी बोतल उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, अरे पहले ही बताते तो मैं रोती भी नहीं घर में और डरती भी नहीं, मैं रो पड़ी थी मेरे बेटे के सामने कि बेटा मैंने ऑपरेशन करा लिया अब मुझे कीमोथेरेपी नहीं करानी, तो किसी को घर में पता ही नहीं था होती क्या है कीमोथेरेपी। तो फिर पहली बार के बाद तो अपन राजा बन गए उस वार्ड के, सब मेरा वेट करते कि आज तो अंजू आएगी और वो हमको हंसाएगी और खेल खेल में हमारी भी कीमोथेरेपी हो जाएगी, वो भी हंसाते हुए और चली जाएगी। तो एक बहुत अच्छा सर्किल बन गया नर्सेस का, डॉक्टर साहब का, वो भी मेरे से उम्र में तो छोटे ही थे, और सारा जो हमारे मेरे साथ जो लोग आते थे कीमोथेरेपी कराने, और ये दोस्ती अभी तक चल रही है। वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है ना उनको सबको मैं बेटा बेटा करके और
वो सब मेरे को आंटी और इतना रेस्पेक्ट, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जीबीएच अमेरिकन है अपना बेड़वास में उदयपुर में, अच्छा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, इकोनॉमिकली यहाँ से टेंशन फ्री, एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, कंपनी देगी, बहुत बड़ा बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। 5 दिन ऑपरेशन के बाद घर लौटे तो मम्मा पापा के पास गई थी मैं, तो लाइफ में पहली बार शादी के बाद इतना टाइम मम्मी पापा के साथ गुजारने को मिला। बाकी एक ही शहर में होने की सजा भुगतनी होती है लड़कियों को, वो घर भी संभालो इधर भी आ जाओ, क्या करना है वहां सोके यहाँ आके सो जाना, वो वाली बात होती है, सबके साथ होती है, बहुत मुश्किल से उनको घर में रहने का मिलता है। मतलब हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और फिर साहब जी कोरोना पधार गए तो डर के साथ कीमोथेरेपी कराने जाना है, डर के साथ रेडिएशन में जाना है, सब चलता रहा। बहुत डर के साथ गई, बहुत डर के साथ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे कारण अगर कोरोना होता है तो मैं कैसे माफ करती हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं तो हाई रिस्क हूँ। बट तो वो चलता रहा, वो सब चीजें निकाल दिए। अब तो क्या पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या। जब सामने कोई चीज आती है तो बहुत भारी सा लगता है, बट अब तो काफी छोटा सा लगता है, छोटा सा वो जर्नी छोटी सी लगती है। बिल्कुल। और कीमो को रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने शर्त रखी कि कोरोना कोविड टेस्ट कराना है। मैंने कहा कोविड टेस्ट, मेरे को फीवर नहीं, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं है तो क्यों कराना है, कि नहीं ये प्रोटोकॉल है। मैंने कहा ओके, तो एक बार तो मैंने डिनाई कर दिया कि मेरे को कराना ही नहीं कोरोना टेस्ट, कारण मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं टेस्ट कराने गई और किसी से पॉजिटिव हो गई तो रिपोर्ट तो निगेटिव आएगी पर मैं तो पॉजिटिव हो जाऊंगी, तो मुझे ऐसे रिस्क नहीं लेना, ये मेरा डिसीजन था। 3 महीने फिर निकल गए, फिर 3 महीने बाद इसको वॉश आउट कराने पहुंची तो दिमाग में आया कि ये कब तक चलेगा, अगर ये मशीन पड़ी हुई है कुछ और नहीं कर दी है। तो हाथ में लगाते ना दिख चढ़ाने के लिए, वो इंसर्ट कर दी जाती है अंदर, तो उसमें तो प्लास्टिक भी है ना, ये कह के कि क्या पता कीमोथेरेपी से आपकी नसें इतनी कमजोर हो जाए कि हम सुई नहीं गुजर पाए, ये कह के वो इंसर्ट की। तो काफी टाइम हो गया था, दीदी ने एक दिन ऐसे पूछा कि तेरे अभी तक है क्या ये, मैं कहा इसको क्यों पाल के बैठी है, ये तो तेरा कीमोथेरेपी के बाद ही हट जाना चाहिए था। ओ मेरा दिमाग ठंडा, मैं कहा ला और कोविड टेस्ट भी करा दे भगवान जी का नाम लेके, कराया और फिर ये सर्जरी हो गई। एक दिन पहले पापा जी की बर्थडे से एक दिन पहले कराई थी मैंने, 13 मार्च से पापा की बर्थडे आती तो 11 मार्च को मैंने कहा निकालो इसको, फिर यही अभी 2021 में चल रही है जिंदगी। 5 मई को पापा जी चले गए, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो 40 डेज अभी हुए नहीं है बट वो मेरे में बहुत हिम्मत भर गए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था। जब मैं वहां पे थी तो पापा 5-4:30 बजे उठ जाते थे, फिर मेरे लिए बेसिक लिक्विड बनाते जो डॉक्टर ने लिखा था, वो कागज उन्होंने कांच पे लगा रखा था, क्योंकि पापा भूल जाते थे तो वो डेली उसको देखते 10 बार देखते कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, किस टाइम पे क्या चाहिए। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की मेरे को जिंदा रखने के लिए। ठीक है अब मम्मा है भाई है, उनको संभालना है, लाइफ तो ऐसे ही चलती है। सबने मेरे को मना किया कि ना मेरे बेटे के अलावा कि आप जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, उस कॉलोनी में तो कोरोना फैला हुआ है, आपके पापा भले हार्ट अटैक से जाए पर कॉलोनी में तो कोरोना है, आप जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे आप तो 1 घंटा भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट डे मेरे दिमाग में यही बात थी कि अगर मेरे को कुछ होता है तो पापा के लिए तो होगा और मैं पापा के ही तो पास जाऊंगी, अभी तो पहुंचे पापा मैं भी पहुंच जाऊंगी, तो देट वॉज अ प्लीजेंट प्लेस फॉर मी बिकॉज पापा और मेरा नेचर एक जैसा है, जॉली नेचर, जोक्स मारना, ठहाके लगाना, ताली मारना, वो सब। और खाना पीना तो फिर बनाना ही नहीं है, फिर बचा क्या, टेंशन क्या की और अगर बच गए तो मम्मा है उनकी सेवा करनी है, उन्होंने मेरी सेवा की थी, तो कुछ नहीं हुआ। बहुत डराते लोग, कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। प्रोटोकॉल में जाती थी डबल मास्क एंड हैंड ग्लोव बट इट्स ओके। मैं हॉस्पिटल भी गई पापा जी के साथ, फिर हम उनकी बॉडी लेके आए, फिर 2 दिन बाद मम्मा और भाई को डायबिटीज होने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए पापा के जाने के कारण, तो हमको कोरोना हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ा डे केयर के लिए। 5 दिन तक हम जाते रहे, तो मुझे डर नहीं लगता था पर मेरे भाई को, मेरी मम्मा को, मेरी भाभी को, तीनों बच्चों को ये लगता था कि बुआ हमारे कारण कोरोना हो गया तो बुआ भी चली जाएगी, तो वो ऐसे थर थर कांपते हुए मैंने देखा है, डर से फीवर चढ़ते हुए देखा है मैंने अपनों को डर से।
पर पता नहीं मुझे कभी फीवर नहीं चढ़ा, डर का नहीं चढ़ा कभी भी। और मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो लास्ट लॉकडाउन से कोरोना वालों की पेशेंट की सेवा कर रहा है, हर चीज से मैंने ब्लड देता है। कई लोगों के अंतिम संस्कार के लिए वहां नहीं जाते तो मेरा बेटा जाता है, उनकी पूरी टीम में रख जाता वहीं निकल के। और तो वो भी नहीं डरता, मैं भी नहीं डरती, हम दोनों ने मौत के भय को तो जीत लिया है कि सबको आनी एक दिन, और होना होगा जो होगा। तो एवरीडे मैं तो बच्चों के साथ खेलती हूँ, जब स्कूल जाती हूँ बच्चों के साथ खेलती हूँ। आई लव किड्स, स्टूडेंट, सबको मैं मेरे बेटे जैसे ही प्यार करती हूँ। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी पूरी कैंसर जर्नी में अपने आप को कभी भी सैड नहीं होने दिया। बहुत ही नहीं, आई एम ए गुड पेशेंट, डॉक्टर जो कहता है मैं फॉलो करती हूँ। जिस पेथी पे मेरा विश्वास नहीं था पर उस पेथी पे मैंने विश्वास करके उसको फॉलो किया, बिकॉज मेरे पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं था। मेरे टॉप मोस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी हम नहीं कर सकते, आपको सर्जरी करानी होगी। मेरे बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर ने मना कर दिया था। देन मैंने कहा ओके एलोपैथी तेरे को स्वीकार करती हूँ। पूरी जिंदगी मैंने इनकार किया एलोपैथी को, मेरा कोई बात नहीं। डायग्नोसिस तुमने दिया, इलाज तुम करोगे, बेस्ट करोगे, बस बहुत जल्दी मेरे को वापस से तुम्हारी मदद ना लेनी पड़े, इसके लिए मैं मन को तैयार कर रही हूँ, शरीर को तैयार कर रही हूँ। ये है। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा? मतलब कई लोग डर जाते हैं इस बारे में जान के, तो ऐसा क्या? देखो मैं को पॉजिटिवनेस इसलिए रही क्योंकि मैंने पढ़ा था डीपली, एमएससी की बुक से पढ़ के मैंने बीएससी ड्रॉप किया था, तो मुझे पता है सेल बायोलॉजी, एवरी सेल का कैरेक्टर मुझे पता है, और आई नो कि मैं मेरी सेल्स को जो ऑर्डर करूंगी वो मानेगी। तो मैंने इन सेल्स को बोल दिया कि कैंसर वाली को छोड़ दो, तो वो ऑपरेशन बहुत ईजी हो गया। उन्होंने ग्रिप नहीं रखी कैंसर वाली सेल्स के लिए, तो वो सर्जरी मेरी ईजीली हो गई। फिर 5 दिन में जब वहां थी तो मेरे को जैसे ही अलोननेस मिलती कि कोई गया है और दूसरा आने वाला है मेरे को अटेंड करने के लिए, अपन स्टार मेकर पे गाने गाते बिंदास जोर से, क्योंकि मेरा खुद का अकेला वार्ड था। वो नर्सेज मेरे साथ बहुत खुश रहती कि यार ऐसी बंदी नहीं मिली जो ऑपरेशन के बाद गा रही है। इवन जिसने मेरे को एनेस्थेसिया दिया था वो बंदा मुझे देखने आया कि ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई। इट्स ओके, आंखों से मेरे को पता पड़ जाता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। चलता है, अपन ऐसे ही है जी। सो आपकी लाइफ में अगर आप सोचे तो कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो आपकी लाइफ में क्या होगा? ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही तो है कि मेरे को भगवान ने तीसरा जन्म दिया है। पहला जन्म माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म जब हम मेरा बेटा हुआ तो रीबर्थ होता है एक नारी का, और ये तो तीसरा जन्म हो गया। तीसरा किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अब तो बस एक्सपेरिमेंट ही करना है, प्रूव करना है कि बिना वैक्सीनेशन कैंसर पेशेंट जी सकते हैं। मेरा बेटा को तो कुछ भी नहीं है ना, वो भी तो बिना वैक्सीनेशन के कुछ नहीं होता। मम्मा रहने दो, इट्स ओके, हल्दी का दूध बढ़िया और गिलोय बटी, बस इट्स ओके। तो हम लोगों को तो एक विजेता बन के बताना है कि भाई कैंसर, मेरे पता है 2-3 फास्ट आर्ट्स की फ्रेंड्स ने फोन तक नहीं किया, क्या पता फोन से कैंसर लग जाए तो, कोरोना तो दूर की बात है। तो वो मेंटेलिटी मैं जानती हूँ उनकी, इट्स ओके, उनकी नॉलेज कम है ना। नॉलेज बहुत जरूरी है, हर डिजीज की नॉलेज जरूरी है। आई नो वेरी वेल व्हाट इज वैक्सीनेशन, इसलिए मैं को वैक्सीनेशन नहीं कराना, क्योंकि वो किसी पुराने वाले कोविड का है। जो नया ट्रेंड चल रहा है उसका वैक्सीनेशन तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो फिर नया रूप बदल लेगा। इट्स लाइक अ वायरस ऑफ एड्स जो म्यूटेट सेल्फ म्यूटेट पे गया हुआ है, और एक ही बॉडी में कितने म्यूटेंट पैदा कर चुका है। मैं ये सब पढ़ रही हूँ अखबार में, तो जिसको जो करना है अपनी बॉडी से करें, मेरे को नहीं करना, वो वाली बात है। जब तक कोई रेडी नहीं रहता वो उस चीज को करने की कोई सही नहीं रहता, फायदा नहीं है। नहीं नहीं, जबरदस्ती किसी से करना ही नहीं, और मतलब मैं तो अपनी बॉडी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकती। बॉडी मेरी है, ईश्वर ने मुझे दी है, मेरी मर्जी। ईश्वर खेल सकता है मेरी बॉडी से जैसा चाहे खेल सकता है, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है। ही इज द क्रिएटर,
उसके अलावा नो वन हैज राइट. कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मैं मर जाऊं तो मुझे पता है कि मेरे को अपना जीवन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जीवन मेरे को मेरे माँ बाप ने दिया है या भगवान ने दिया है, तो मेरे को अधिकार तो चाहिए नहीं, अपनी ड्यूटी करते रहो, मिल जाएंगे अधिकार जो मिलने होंगे, नहीं तो मस्त रहो ना. सबसे अच्छा है गवर्नमेंट सर्विस मिली हुई है मुझे, तो आई हैव द गोल्डन हैंड, जो चाहे मिलता है, जो मैं चाहूँ खरीद सकती हूँ, जहाँ चाहे मैं घूम सकती हूँ. मैं 2008 से मेरी कार ड्राइव कर रही हूँ, मजे है लाइफ से. सब कुछ मेरे को घर पे बना के खाना मेरी मम्मा ने सिखाया, तो मेरे को बड़े मजे आते हैं एक्सपेरिमेंट करने में. मेरे बेटे को एक शिकायत है, मम्मा जिस दिन मैं कहता हूँ ये बहुत टेस्टी है, अगली बार वैसा का वैसा क्यों नहीं बनाती, उसमें थोड़ा सा डिफर क्यों हो जाता है. बिकॉज आई एम क्रिएटिव, मेरे को झेलना पड़ेगा, व्हाट कैन आई डू. बदल बदल के बनाने. हाँ थोड़ा सा किसी का टेस्ट चेंज हो जाता है, इट्स ओके ना, थोड़ा तो आगे पीछे चलता है भाई. मैं तो किसी से तोल के नहीं डालती ना कि नमक मिर्ची हरी वो कुछ, मुझे लगता है कि है ना आज अदरक डाल देनी चाहिए तो डाल दी, तो आज अदरक का टेस्ट क्यों आया. अरे भाई ऐसे नहीं चलता, कभी काली मिर्ची ज्यादा हो जाती है. हेल्थ इश्यू मैं सोचूंगी ना मेरे बेटे के लिए भी, तो उसको तो बस उस दिन जैसा टेस्ट किया, अरे मुझे याद ही नहीं उस दिन मैंने क्या किया, मैं तो मेमोरी को क्लियर करती रहती हूँ कंप्यूटर जैसे, पुराना टाइप को याद रखने का. सिर्फ स्टडीज मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा वो एज इट इज याद, वो नहीं भूलती मैं. नींद में भी पूछोगे मैं पूरा लेसन पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई बकेट लिस्ट में कोई एक ऐसी चीज हो जो आपको करनी है तो वो क्या होगी? हाँ इतनी सारी है बताओ. देखो मैं तो विवेकानंद जी बहुत अच्छे लगते हैं ना, और उन्होंने ये बोला था कि एवरी एजुकेटेड इंडियन की ये ड्यूटी है कि जब तक इस देश में एक भी पर्सन अनपढ़ है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए. तो मेरे को वो वाली चट्टान देखनी है जिसपे बैठ के उनको ये ज्ञान आया. बाकी वो तो इतना प्योरेस्ट फॉर्म थे कि वो बिना रामकृष्ण परमहंस के भी समाधि में चले जाते थे बचपन में ही. तो वो तो अपनी समाधि लगा के और ऊपर जा सकते थे, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे. बट उस पर्सन ने उस चट्टान पे बैठ के ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त किया कि वो देश विदेश गए और हिंदू धर्म की जो उन्होंने मीमांसा की तो पूरा दुनिया एड्रेस ही नहीं किया था. अंजू जी तो, आपके शायद नेट टूट गया था, तो आप जो बोल रहे थे वो बात बीच में रह गई थी, आप पहले बोल सकते हो? कहां से बोलूं वापस? जहां आप बता रहे थे कि उन्होंने पूरे देश विदेश. हाँ. ये है 1883 या 93 की बात, विश्व धर्म सम्मेलन था जिसमें इंडिया को बुलाया ही नहीं, क्योंकि ब्रिटेन तो ये कहता था इंडिया सांपों का देश है, अनपढ़ गंवारों का देश है, तो वहां पे बुलाया ही नहीं था. बट हमारे खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद जी को उनके गुरु की आज्ञा से वहां भेजा जहाज में, पानी के जहाज में, और लास्ट में उनको नंबर दिया गया 5 मिनट का वक्त बस लास्ट में, कि अरे कोई आया है यूं बस. पर वो 15 मिनट या आधे घंटे बोले क्योंकि लोग चुप हो गए थे. उन्होंने पहला संबोधन ये दिया, ऑरेंज कलर का उन्होंने साफा और पूरा वस्त्र पहन रखा था, और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और 5 मिनट तक तालियां बजती, क्योंकि उस पूरा जो हो चुका था उसमें से किसी ने सारे लोगों को अपना भाई और बहन तो माना ही नहीं. तो बस मेरा क्रिश्चियन अच्छा, मेरा ये धर्म अच्छा, मेरा वो धर्म अच्छा करके चले गए. इन्होंने विश्व बंधुत्व की एक लाइन में बता दी. उसके बाद जो इन्होंने धर्म का पूरी मीमांसा की वहां पे, तो लोग उनके इंटरव्यूज के लिए उमड़ पड़े, और उनको कई वर्षों तक इंडिया में पैर रखने का मौका ही नहीं मिला, इतना इनविटेशन मिला हर देश से. और एक पत्रकार ने उनको स्टेज से उतरते वक्त कहा कि आपके पीछे कौन खड़ा था, तो विवेकानंद जी ने पूछा मेरे पीछे नहीं, मैं तो अलोन था. तो फिर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा. जब उस फोटोग्राफ की प्रिंट आई तो उनके पीछे राम कृष्ण परमहंस दिखे. तो ये होता है गुरु शिष्य का
आत्मा का संबंध। और विवेकानंद जी को जब वो रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो विवेकानंद जी ने कहा ये मेरे शब्द है ही नहीं है, मेरे गुरु बोल रहे थे मेरे साथ। तो ये होता है एकाकार और ज्ञान। और रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे जब विवेकानंद जी, तो उन्होंने पहली बार ये पूछा था आपने ईश्वर देखा है, रामकृष्ण जी ने कहा हाँ कैसे, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ आप मुझे भी मिला सकते हो, हाँ पर तुमको दोबारा आना पड़ेगा, अभी तुम सांसारिक कर्तव्य पूरा कर गया। तो इस तरह से सब कुछ है, संभव है और मैं उस पर पूरा विश्वास करती हूँ। तो मुझे वो चट्टान देखनी है, मुझे वो काली माता जी देखनी, वहां पे रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन का पूरा समय निकाला, और एक और मुझे हिमालय देखना, तीन बस। तो देख लूंगी मैं इसी साल, मैं देख लूंगी और ये लॉकडाउन तो खुले। अभी तो कोरोना की वजह से आधी चीजें नहीं हो पा रही हैं, कहीं ट्रैवल करना बहुत जल्दी चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, अब इतना नहीं रुक सकता, क्योंकि पॉजिटिवनेस पॉजिटिव रेज बहुत निकाल रहे हैं हम लोग कि कोरोना कुछ नहीं है और जा, तू है ही नहीं इंडिया के लिए, तो है ही नहीं तू जा बस। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और आप मेरे से बात कर रहे हो तो ये पूरा जो वो है वो भी कोरोना से नहीं डरता है क्योंकि वो कैंसर को झेल चुका है, तो इसलिए अब तो निकलेगा ये, अब नहीं रहेगा जी। अब बताइए कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपको वो मिला, तो वो कौन सी चीज है? मेरे पापा, उन्होंने हम तीनों बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सारा जितना हमारा वहां पे रहने की जगह थी उन सारे घरों में से हमको उन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया, बाकी सब सरकारी में पढ़ते थे, कभी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं। और क्लास 8 से उन्होंने कहा डू योर सेल्फ ऑल योर वर्क, बैंक हो चाहे कहीं भी हो वहां पे इंक्वायरी इसीलिए होती है, जाओ पूछो और करो। तो उन्होंने हमको सेल्फ मेड, सेल्फ एक्सपर्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ अर्निंग सब कुछ सिखा दिया बचपन में। और मैंने उनको रात के 3 या 4 बजे तक हम लोगों के लिए मोटर बाइंडिंग, इलेक्ट्रिक की सारी चीजों को ठीक करते हुए देखा ताकि एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकते सर्विस के साथ और हमको बेस्ट एजुकेशन मिल सके। पूरे परिवार से लड़के मेरे मम्मी पापा ने हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोएड में पढ़ाया। तो आज ये रिजल्ट है कि मम्मा 3 बार दीदी के पास जा चुकी है यूके में पापा के साथ, और एक बार तो मम्मा अकेली गई। सोचिए आप कितनी बोल्डनेस थी है, जबकि मेरी मम्मा टोटली इंग्लिश में बात नहीं कर सकती पर समझ सक जाती है। तो ये बहुत प्राउड की बात है हमारी पूरी फैमिली के लिए कि पापा जी ऐसे मिले हमको, मम्मा ऐसी मिली। हमने उनको 24 घंटे में सिर्फ सोते वक्त काम नहीं करते हुए बाकी खेतियों की तरह लगे हुए देखा, कुछ ना कुछ करते रहते, तो मैं भी वैसी हूँ, हम लोग करते रहते कुछ ना कुछ। और सेकंड मेरा बेटा जो मेरे से भी ज्यादा समझदार और सेवाभावी और परोपकारी है। आज के इस कोरोना टाइम में एवरी फैमिली ये चाहती है हमारे बच्चे सुरक्षित अंदर पड़े रहें, और मेरा बेटा बिंदास घूमता है, मेरे को भी कहता है ओके मम्मा अपना प्रोटोकॉल बस डबल मास्किंग एंड हैंड ग्लोव देन फ्लाई। सावधानी के साथ जो भी करे फिर वो कर सकते हैं। हाँ सावधानी तो बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे क्या पता किससे हो जाए, वो वाला जो किसी का डर है वो नहीं होगा। दूसरा क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मेरे को जगह जगह पुलिस ये रोकी थी मास्क क्यों नहीं है, मास्क क्यों नहीं है, और मैं उसको सफाई देती थी रुक क्यों लगा लिया ना, दूसरों के लिए लगा रहे, घर में नहीं लगाते हम कोई मास्क वास्क कोई। मैंने सैनिटाइजर मजबूरी में कहीं पे यूज किया, मेरे को नहीं पसंद वो अल्कोहल की बदबू, गर्मा गर्म पानी से हाथ धो लो ना, नींबू डाला हुआ पानी है, वायरस ही तो है कहाँ रहेगा, और रहना है तो रहेगा वाली बात है। ठीक है तो आपने कोई ऐसी चीज की हो जो कोई एक काइंडनेस की किसी के लिए की हो जो आप कभी नहीं भूलेंगे? Yes, I was very younger one na, in class 10. मेरी सिर्फ रेखा गणित बहुत अच्छी थी,
अंक गणित में मेरे को काफी प्रॉब्लम आती थी, सूत्र याद है, वैल्यू रख ली, बट आंसर तक मैं नहीं पहुंच पाती थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं था। कारण मेरे को काटना नहीं आता था। मैंने बचपन से काटना शब्द का मतलब ये था कि चार को लिखा और काट दिया तो कट गया ना। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नीचे वाले का ऊपर भाग लगा और कटता है उसको काटना कहते हैं, तो मेरा वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। टेंथ तक हमारे टीचर डंडे के बल पे करते थे, काट काट, नहीं आता तो डंडा मार देते, टॉयलेट आ जाती थी वहीं पे, बहुत शर्मनाक स्थिति से हम लोग निकले थे। तो मेरे वो डर कभी निकला ही नहीं, तो मेरा कभी आंसर नहीं आता था, तो वो थोड़ा दिक्कत रहती थी। तो पास में एक भाभी थी जो शादीशुदा थी, उनके एक बच्चा हो चुका था, उनकी इंग्लिश वीक थी, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाती, वो मुझे मैथ से सवाल कराती, ऐसे हमारा निकल रहा था। एक दिन वो रात को मेरे को सिखा नहीं पा रही ना खुद सीख पा रही। मैंने कहा क्या हुआ उषा भाभी जी? तो कहती है कि तू है ना अपने भैया को नहीं बोलेगी। मैं कहा हुआ क्या? तो मैं उनको राखी बांधती थी, उनकी जितनी बहनों के आती थी ना, तो पड़ोस की थी तो उनके भैया के राखी बांधती थी। नहीं तू कर मेरी कसम खा, तू उनको नहीं बोलेगी। मैं कहा ठीक है नहीं बोलूँ। तो कहते तेरे भैया ने मुझे मारा इसलिए मेरा दिमाग नहीं लग रहा। क्यों मारा? तो कहते तुझे नहीं पता पर वो पीटते हैं। मैंने कहा ओके, किससे मारा? तो उन्होंने कहा संडा जी से, वो सड़ती होती ना जिससे हम भगोनी वगैरह पकड़ते हैं। मैंने ठीक है मेरा कहना मानोगी? कहती हाँ। मैं कहा आप तो रोज पढ़ने आती हो, तो मैं ये गेट खुला रखूंगी बीच वाला, भैया आपको जिस चीज से मारे उससे मार के भाग के मेरे पास आ जाना, बस इतना सा करना है। छोटी सी थी, मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्या करवा रही हूँ। उन्होंने तो अगले दिन मेरे भाई की किस्मत खराब पड़ोसी थे और भैया है तो है, वो अभी भी है, उन्होंने फिर संडा जी से मारा और उस बंदी ने होश में जो मारा ना उसको वो तिल मिला के रह गया, वहीं बैठा रह गया, पता नहीं पड़ा उसको हुआ क्या। तब तक तो भाभी जी भाग के मेरे आ गई और हमने दरवाजा बंद कर लिया। अब वो है ना इस डर के मारे कि मुझे नहीं पता चल जाए पिया हुआ, बाहर जैसे शेर नहीं घूमता पागल वैसे घूमते रहे और धीरे धीरे आवाज लगाई उषा उषा। हम दोनों तो जगे हुए, हम दोनों मुंह पे हाथ रख के हंसते जा रहे और फिर हमको नींद आ गई। अगले दिन के मैं क्या करूं, मैंने कहा चल मैं देख के आती हूँ क्या हाल है। तो मैं गई और भैया क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। ठीक है बना के रखो मैं आ रही हूँ। उनको वापस रिपोर्ट की कि जाओ चाय बन रही है अपने को, और वापस पहुंच गई उनको सपोर्ट के लिए कि भाई हाँ चाय बन रही। अब वो मेरे सामने तो उनको कुछ बोल भी नहीं पाए और उनको घर में एंट्री दे दी, वो अपने काम में लग गई शांति से, वो निकल गया। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी शराब नहीं पी, कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। तो वो लेडी मेरे पीछे से किसी को बोली कि अगर अंजू मुझे कहना ये तीन मंजिल से कूदना है तो मैं कूद जाऊं। मेरे तक वो बात आई कि वो तेरे पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? तो मैं क्या बताती कि ये अंदर की बात ये है कॉन्फिडेंट तो ये मुझे लगा कि अन्याय के खिलाफ बोलने और दिमाग मेरा उस तरफ चल सकता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इनसे मैं सीखती गई कि मेरे को उचित शब्दों का प्रयोग भी आता है और दिमाग में यूं आइडिया आता है। ये है गिफ्ट है भगवान जी की। जी बिल्कुल। तो कैंसर होने के बाद बहुत चीजें सीखने को मिलती है, तो उस दौरान आपने ऐसा क्या सीखा जो आप हमेशा याद रखेंगे और जो आपको आज भी याद रहता है कि हाँ कि अच्छी बात सीखी? यस, देखिए हमने शुरू से सारे काम खुद किए, तो मेरे को पढ़े रहना तो अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे पापा जी को मैंने जिंदगी में काम नहीं बताया अपने सपोर्टों को, वो मेरे लिए कर रहे तो वो मेरे को अंदर तक खा रहा था। तो मैंने बहुत जल्दी रिकवरी की कि नहीं मेरे को पापा जी से नहीं कराना, मम्मा से नहीं कराना, और बहुत जल्दी मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा सब करूंगी। फिर बाई तो कोई आई नहीं कोरोना में, तो मेरे से जितना होता था इस हाथ से, मैं लेफ्टी हूँ और इसी में हुआ है सर्जरी, तो मैं इस हाथ से जितना होता था सब कर लेती थी। हम तीनों ने मिल बांट के काम बांट लिया था। मैं झाड़ू लगा देती खड़े खड़े का काम है ना, और फिर पैर से मैं पोछा मार लेती थी, और पापा जी नीचे से ऊपर पानी भरने के लिए मोटर वगैरह चलाने के लिए तो उसी में थक जाते थे, और 5 किलोमीटर पैदल भी चलते थे सुबह, और सब्जियां आती तो मैं और पापा मिलके चाट देते, फिर मम्मा से छुपवा के मैंने सारी सब्जियां मम्मी से अब सीखी, क्योंकि पहले तो पढ़ाई में टॉप रहना है, फिर शादी हो गई तो घर में शादी वाले उसमें काम करना है, तो मम्मा से सीखने का टाइम नहीं मिला, अब सीखी। तो मेरा बेटा कहता है कि अरे वाह अब तो आप बहुत टेस्टी बना, तो नानी जैसी अब उसने इतने साल क्या खाया आई डोंट नो पर फिर भी खा लेते थे। बहुत कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिल जाती है जब कुछ हाँ
बहुत अच्छी। और रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि अगर आपके पास इनफ मनी है तो कुछ रिश्ते आपके हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई चीज मायने नहीं रखती, दैट इज अ प्योर ब्लड रिलेशन एंड फ्रेंड सर्किल, जिनमें पैसा मायने नहीं रखता। तो वो ओरिजिनलिटी ना कोरोना प्लस मेरे कैंसर ने मुझे दिखा दी उन लोगों की, और मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया। बहुत तो जरूरी आपको अंदर से गिजू भाई हैं गुजरात के एजुकेशनलिस्ट, जिन्होंने बहुत पहले जो 16 किताबें लिखी थी मेरे पास वो सारी हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे घर को रखा भी। मेरे घर में दिखावटी चीजें नहीं मिलेगी, मेहमानों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। इवन सोफा सेट मैंने इस साल लिया है बेटे के कहने कि अब उसकी शादी करनी है तो शो ही बनना पड़ेगा, बाकी पूरा घर में बच्चा आराम से खेले, उसे कहीं नहीं लगे, उसकी मर्जी जो करे। मेरा घर बच्चों के लिए, मेरा घर मेहमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे घर में जो आता है वो मेहमान होता ही नहीं, अपना होता है, भले दोस्त हो चाहे रिलेटिव हो। और जिनको वो सब शोबाजी अच्छी लगती है उनको दूर से राम राम। वो मम्मा के मिल लो, मम्मा कह देती आज ही आए आ रही हूँ मैं। किसी को नहीं कहती मेरे घर आना, किसी को नहीं, जिसको आना होगा अपने आप आएगा ना, बाकी मैं बिल्कुल चली जाती मम्मा क्या मिलना। तो भी बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं, अपेक्षा किसी से रखनी नहीं, पैसों की लेन देन किसी से नहीं करनी, वस्तु की लेन देन किसी से नहीं करनी, क्योंकि लोग खराब करके देंगे और उससे सो बातें और सुनाएंगे। ना किसी से लेना ना किसी से देना। और मेरा जैसे मेरे पास कार है और आसपास किसी के पास कार नहीं, और उनको मेडिकल के लिए शादी में कार की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, मैं अपनी चीज के साथ खुद प्रेजेंट हूँ, यू कैन यूज मी, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कोई पेट्रोल भी नहीं चाहिए, और मुझे रील के पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि कैमरा मेरा है, तो मैं फोटोग्राफर भी बन जाती और मैं कार ड्राइवर भी बन जाती। और बेटा भी ऐसा ही है कि पेट्रोल के पैसे दो भाई, वो भी सब करें हम, और हम काम आ सकते हैं, पर हम किसी को यूज करना नहीं जानते, न वस्तु को न पर्सन को। ये शुरू से रखा है सही, गिविंग तो अपने आप मिलता रहता है, ईश्वर का आशीर्वाद। मेरा जीवन मिला है मुझे तो ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है। मेरे बेटे ने इतनी बार ब्लड दिया, हर साल में 4 बार वो ब्लड देता है, हर 3 महीने पर, इसी के कारण मैं बची हूँ। पत्री पे विश्वास करती हूँ, उन्होंने स्पष्ट बोला कि आपकी लाइफ तो तीसरी घात में पूरी हो चुकी है, अब तो आप जो जीवन जी रहे हैं वो आपके बच्चे का माँ का योग है, वो जी रहे हैं, तो ये सब ईश्वर का प्रसाद है, नथिंग एल्स। हकीकत भी है तो एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते आप बाकी लोगों को जो अभी कैंसर के से गुजर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि उन्हें किस तरीके से उस चीज से डील करना चाहिए? एक तो मेरा नंबर दे दीजिएगा जो भी ब्रेस्ट कैंसर वाले हैं, तो मैं उनको बता दूंगी सुबह से शाम ये करना है, ऐसे मस्ती करनी है, ऐसे गाने गाने हैं, ऐसे लाइफ को जीना है। और वैसे इसमें जिसका भी मैसेज आता है ब्रेस्ट कैंसर वाला, मैं उस बंदे को पर्सनली 2 घंटे दे चुकी होती हूँ। मैं कह देती हूँ कॉल मी, मैं भी सेम हूँ, अपने आप आ जाता है। और इससे मेरे को ये खुशी मिलती है कि मेरे को जैसे सपोर्ट किया डिम्पल जी ने, मनीष की वाइफ ने, मनीष ने, अजय ने, है ना, और मम्मा ने जिन जिन को बताया, उन सब ने मुझे पॉजिटिवनेस भरी। तो अगर मैं भी किसी में इतनी पॉजिटिवनेस भर दूं कि उसको फिर किसी और डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़े, वो डॉक्टर पे यूं नहीं कहे कि इन डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया, मैं उनको सारी नॉलेज दे दूं कि ये भी हो सकता है, आप डॉक्टर से ये पूछना, वो सारी चीजें। तो क्योंकि कई लोगों को इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है, बायोलॉजी हर एक ने नहीं पढ़ी है, तो वो सारी चीजें मैं उनको अपनी तरफ से कि आप एनी टाइम 24 आवर बस मैसेज कर लेना, बात करनी है, आई एम रेडी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए हमेशा मेरा फोन ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप भी एक दूसरे की मदद करें, और वास्तव में जब एक दूसरे एक जैसा दर्द वाला किसी दूसरे से बात करता है उस फीलिंग के साथ, तो वो बात असर करती है। आज मैं आपको बोलूं आप एक स्वस्थ हैं, है ना, मैं आपको बोलूं कि मेरे को यहाँ पे ये फील होता है, यू कांट फील दैट, नॉट अ डॉक्टर कैन फील दैट पेन जो एक खुद वॉरियर फील करता है। मैं अगर ये बोल रही हूँ मुझे ये पत्थर जैसा लग रहा है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो, नथिंग, व्हाट इज पत्थर जैसा। बट जिसके पत्थर जैसा लग रहा है वो तुरंत पहचान जाएगा कि इसको कहते हैं पत्थर जैसा, है ना।
ऐसे कीमोपोर्ट रिमूव होने के बाद या रिमूव जब कीमोपोर्ट होता है तब मैं डॉक्टर से कहती थी कि मुझे यहाँ पे ये चीज महसूस होती, तो वो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि डिसेक्शन करके बताऊं क्या क्यों नहीं हो सकता, वो जो पार्ट मैंने देखे थे वो यहाँ तक पहुंच रहा है। बट वो हमेशा मना करते रहे मुझे, मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बारे में कि मैंने जो चीज बोली थी मैं सही थी, सही हूँ और सही रहूंगी। ये मुझे महसूस होता है वो नली यहाँ तक थी तो वो चीज यहाँ महसूस होती थी, और जब मैं नॉर्मल थी तब तो नहीं होती थी ना। तो आई एम नॉट ए फूल पर्सन, यू कांट मेक मी अ फूल। तो वो चीजें मैंने एक दो को और बोला कि आप इतने दिन क्यों रख रहे हो कीमोपोर्ट, अगर कीमोपोर्ट की बाद में कभी लाइफ में जरूरत पड़ेगी तब और हो जाएगा, कीमोथेरेपी के बाद हटवाना ही चाहिए। तो ये चीज नॉलेज डॉक्टर्स नहीं कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे वह कोई बात नहीं आप नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो कोई बात नहीं क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट है उनके लिए, यहाँ अंदर रख रखा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क तो हमको पड़ रहा है कि हम इसकी करवट नहीं सो सक रहे, हम यहाँ पे साड़ी ब्लाउज या कुछ भी पिन नहीं लगा पा रहे, हमारे चुपता है, वो सारी चीजें तो हमें महसूस हो रही है ना। तो ये चीज शेयर करने से बहुत अच्छा रहता है, ये ग्रुप को बढ़ता ही जाना चाहिए 1000 और ऐसे करके जिसमें केयर गिवर भी जुड़े, क्योंकि केयर गिवर्स आपका दर्द कम नहीं कर सकते, केयर गिवर्स आपको कैसा अंदर से महसूस हो रहा है वो महसूस नहीं कर सकते, महसूस सिर्फ वॉरियर्स एंड सर्वाइवर्स कर सकते हैं। इसलिए सेम वाले हमेशा जुड़े रहें, एनी टाइम एक दूसरे के लिए तैयार रहें, आओ ना मिलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे उदयपुर में कोई भी है आपस में मिलेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो कॉल यही है, आमने सामने, मैं तो वीडियो कॉल ही लगाती हूँ उन लोगों को ताकि उनके एक्सप्रेशन से मुझे लगे उनको कितना दर्द महसूस हो रहा है। और एक विमला है जिनको मैंने अभी 2-3 दिन पहले जोड़ा है, जयपुर की है वो, उनके हस्बैंड को भी जोड़ा है इसी अपने ग्रुप में, वो मेरे को सिर्फ ये कहती दीदी आज इतना दर्द हो रहा है, और 15-20 मिनट बाद कहती दीदी अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। सोचो आप अगर सिर्फ बात करने से कोई अपना दर्द ही भूल जाए तो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, सोचो आप। मतलब हम लोग अकेले पड़ जाते हैं घर में, केयर गिवर होते हुए भी, फैमिली मेंबर्स होते हुए भी अकेले पड़ जाते हैं कि अपना दर्द किससे शेयर करो, उसके लिए ऐसे ग्रुप होने बहुत जरूरी, हम दर्द समान दर्द वाले। क्योंकि एक कहावत है ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, जिसके पैर में फटा ही नहीं है वो उस दर्द को नहीं महसूस कर सकता, उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसका एक ब्रेस्ट नहीं है, जिसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, जिसने अपने सारी जिंदगी सारे काम खुद किए हैं पर अब वो लिफ्ट अप नहीं कर रहा, मेरा ये हाथ कब नॉर्मल होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल सामने चाहिए कि अरे आधे 6 महीने में होगा, क्या बात कर रहे हो क्यों नहीं होगा, वो हिम्मत देने वाला पर्सन चाहिए। अब मैं सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ, सोचो आप। हाँ जी, कह रही हूँ जो उस चीज से निकल के आगे बढ़ चुका है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल होता है आपके सामने, वही है। तो मैं अब सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ, डॉक्टर रश्मि मेनन भी मुझे इसी ग्रुप से मिली, उन्होंने 1 महीना फ्री हमको योग और मेडिटेशन कराया, फिर हम सबने फोर्स किया कि बेटा हम लोग वेल मनी मतलब हम लोग अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी फ्री क्यों कर रहे हो बेटा, आप तो मन में हमसे छोटे हो तो थोड़ा बहुत तो लो। तो सिर्फ अभी उन्होंने 10-15 दिन से हमसे किए, चलो ठीक है आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें और ऐसे, बट शी इज वेरी ब्रिलियंट इन योग मेडिटेशन और सूक्ष्म व्यायाम, बेस्ट, और बहुत प्यारी स्माइल है, बहुत अच्छी है डॉक्टर रश्मि मेनन, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवनेस हम में क्रिएट की है। ये सब मुझे इसी ग्रुप से तो मिले वो साथ में सपोर्ट मिलना सबको बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि है ना मेरी मम्मा तो मुझे फोन भी नहीं उठाने देती थी, उनको ये लगता था कि इस फोन से इसको और कैंसर हो जाएगा, वो समझाने वाले भी लोग चाहिए। जब मेरा सर्जरी हुआ तो मम्मा ने मुझे एक जापे वाली लेडीज से रखा, इस रूम से बाहर नहीं निकलना, बाहर बालकनी में नहीं झांकना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने सब इसलिए सहन किया कि वो मेरी मम्मा है, उनको जितनी नॉलेज है वो मेरे लिए भले के लिए कर रहे हैं, है ना। उसके बाद दीदी यूके से, इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे ही दीदी और जिया जी आए उन्होंने उन लोगों को पता नहीं क्या क्या समझाया कि मेरे को मम्मा ने फ्री छोड़ दिया, तेरी मर्जी हो जो कर, तेरी मर्जी हो जो खा। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, बाकी सबको कैंसर के नाम पे वही गिनी चुनी हिंदी मूवीज जिसमें वो रोते हुए सुनील दत्त जी और
दूसरे या तीसरे बाद सीन के बाद कैंसर वाला बेचारा ट्विंग, तो वही सारी इमेज बनी हुई है, उस इमेज को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे से जो भी मिलने आते थे उन सब के चेहरे पे मैं वो मौत का भय देखती थी कि ये नेक्स्ट टाइम हमको जीवित मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब तक मेरी मम्मा मतलब दीदी नहीं आई, वो मेरे घर के सारे लोग भी मुझे सुबह सुबह हंसते हुए देख के ऐसे देखते थे कि चलो आज भी ये जीवित है। मेरी दीदी और जियाजी ने आके सारा भय दूर किया कि कैंसर इज अ नॉर्मल डिजीज, और अब मैं डिजीज ही बोलती हूँ, डिस इज बीच में डैश 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 डैश, हमारी बॉडी का एक डिस ईज था उसको हमने हटा दिया, अब मेरी बॉडी ईज है, इजी है। ये सब इसी ग्रुप ने सिखाया है। मेहुल व्यास है ना, उन्होंने, राजेंद्र शाह हैं, उन्होंने हम सबके जो संडेस को करवाती थी डिंपल जी, तो उससे हम लोग इतने एनर्जेटिक हो जाते थे, क्योंकि पहले मैं बोलती नहीं थी, मैं सिर्फ सुनती रहती थी, पर अब देखो आप मेरी फेस पे ये भर गया है, ये सब इसी ग्रुप की देन है। खाना तो पहले भी खाते थे, पर ये जो सेटिस्फेक्शन, ये जो नॉलेज, ये हमें जीने की ऐसी उमंग जगाती है कि मैं वापस से बारिश में नहाने लग गई हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाने लग गई हूँ, ड्राइव करने लग गई हूँ मैं वापस से मेरी कार। बहुत अच्छी बात है कि आप अब अपने आप को खुश रखती है जितना आपको, और कैंसर का डर अपने अपने मन से आपने पूरी तरह हटा दिया। वो तो जिस दिन सर्जरी हुई उसी दिन से वो बॉडी, अब यहाँ पे एक भी सेल तेरी नहीं है, अब ये डिसीज मेरे को दिमाग में भी नहीं सोचना, ये है। अंजू जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बहुत पॉजिटिव बातें हमें सिखाई, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बताया कि किस तरीके से सब कैंसर पेशेंट्स को एक साथ जुड़ के एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए, और वो कितना हेल्प करता है किसी के ट्रीटमेंट में। तो एक बहुत... मेरे को बात और कहनी है कि मेरे को चॉइस थी तीन तरह की, कि एक तो इसको पार्शियली रिमूव करो लेफ्ट ब्रेस्ट को जिसमें वो था ट्यूमर, दूसरा कंप्लीट रिमूव करो, तीसरा इसमें कहीं और का है ना, मेरी थाई के पोर्शन का वो लंप लेके, और प्लांटेशन, ब्रेस्ट प्लांटेशन या इम्प्लांटेशन कहते हैं है ना, वो करना। तो मैंने उनको बोला कंप्लीटली रिमूव, तो कहते हैं फिर दूसरा कुछ करना है, मैं कहा नो आई विल नॉट वियर नाउ एनी ब्रा, और कोई आर्टिफिशियल चीज भी मैं नहीं यूज करूंगी, बट मैं चुन्नी ऐसा लगाऊंगी कि कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी हुई है बस। और चूंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अब मुझे उस पार्ट की वैसे भी जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे ही एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसमें कहां दिक्कत है। तो वो नरेंद्र जी राठौड़ जो RNT मेडिकल कॉलेज के उदयपुर के, ही वॉज शॉक्ड टू सी मी एंड डिस्क्राइब मी, इतना ओपनली बोल रही है। मैं कहा मैं बायो टीचर, मैं कुछ भी ओपनली बोल सकती, पर मेरे शब्द बहुत सभ्य हैं कि मुझे उस पार्ट की जरूरत ही नहीं, अभी क्या करना है। और मेरा फिगर तो वैसे भी बहुत अच्छा है, अभी भी मैं अगर साड़ी पहनती हूँ तो मैं वैसे ही अट्रैक्टिव लगती हूँ, लोगों का ध्यान उस पोर्शन पे जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं पहनती हूँ। सिंपल, मेरे स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं अरे मैडम आज कितने दिनों बाद आपने वापस साड़ी पहनी, सेम लग रही थी मैं जैसे पहले लगती थी वैसे, कॉटन साड़ी ग्रेसफुली पहन ली आराम से, क्या दिक्कत है। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया कि मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ रख के और इसको शेप में देना, नो। मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी आंखें देखते हैं, वो मेरे होंठ देखते हैं, उसके नीचे वो देखते ही नहीं, उनको क्या करना है, उनको क्या करना, कुछ नहीं पता पड़ता उनको कि मैडम के क्या है या नहीं है, इट्स ओके। तो यही है। और हम लोग है ना एक प्रिमाइसिस में रहते हैं, वहाँ 32 फ्लैट हैं, तो वहाँ के सब लोगों ने मुझे जहाँ मेरी मर्जी है वहाँ मैं पार्क करती हूँ कार, मुझे ज़्यादा टर्न नहीं करना पड़े, मेरे लिए मेन गेट खुल जाता है, मेन गेट मेरे पीछे से बंद हो जाता है, एंड मैं बस मैसेज करती हूँ कि उस दुकान पर मेरा ये सामान है, मेरे घर के बाहर पहुँच जाता है, मैं सेकेंड फ्लोर पर रहती हूँ। दे ऑल आर हेल्पिंग मी बिकॉज ऑफ माई लव ओनली, माई करेज। वो सब यूं कहते हैं कि हम आपको देख के तो ऐसे हो जाते हैं कि हमको भी इसी तरह जीना है, बस इससे ज्यादा क्या दूं मैं, और भी भगवान जो चाहेगा देती रहूंगी।
तो थैंक यू सो मच अपनी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए, और आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी दी है हमें भी. सो थैंक यू सो मच अंजू जी, एंड थैंक यू मानवी. थैंक यू.